मैं हिजाब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बोल रहा था तो यही कांग्रेसी बोल रहे थे, ओवैसी इसको चुनाव का मुद्दा बना रहा है। मैं ये कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आरएसएस का मुद्दा है। कर्नाटक में पहली बार नहीं हुआ है और हुकूमत ने कहा ये सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है। ठीक है, नहीं है। सरदार बच्चे क्या करेंगे, क्या उनकी पगड़ी उतारोगे आप? याद रखिए, कांग्रेस आरएसएस की मां है, इसीलिए मैं बोला कि नए मामू से अच्छे नकते मामू। क्या पहनते हैं, किस तरह पहनते हैं, इस पे हुकूमत दखल क्यों दे? और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, हिजाब बैन पर यूटर्न की बड़ी खबर आई है। हिजाब बैन पर ड्रेस कोड के आदेश को 48 घंटे में ही कर्नाटक सरकार ने अब बदल दिया है। अब जो बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिए, कर्नाटक में शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि हिजाब पर कोई बैन नहीं है, परीक्षा में हिजाब पर बैन नहीं, सिर पर कपड़ा रखने पर बैन का आदेश, लेकिन हिजाब और वैसे कपड़े पर किसी तरह का अब बैन नहीं। ये कर्नाटक के शिक्षा मंत्री जो कि एमसी सुधाकर हैं, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है। हिजाब विवाद की फिर से एंट्री हुई थी, आपको याद होगा ओवैसी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक ने कह दिया था कि कांग्रेस गलत कर रही है, वहां पर परीक्षा में हिजाब बैन। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री जो हैं एमसी सुधाकर, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि हिजाब पर किसी तरह का बैन नहीं है, परीक्षा में हिजाब जैसे कपड़ों पर बैन के फैसले का ओवैसी और उमर अब्दुल्ला ने, याद होगा आपको, विरोध किया था और कर्नाटक सरकार के लिए फैसले के 48 घंटे ही हुए थे कि इस पर अब स्पष्टीकरण आ गया है। अब इसको तुष्टीकरण भी कह सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण है फिलहाल ये कि भर्ती परीक्षाओं में हिजाब पर बैन नहीं है, परीक्षा में हिजाब अलाउड होगा। कर्नाटक में परीक्षा के दौरान सरकार की तरफ से छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया था, जिसमें पहले था सभी प्रकार के हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसमें चीटिंग करना आसान हो जाता, लेकिन अब बताया गया कि एक घंटा पहले आना होगा और अब अलाउ कर दिया गया है, अब अलाउ कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है, पहले इसको मतलब इस पर रोक बैन कर दिया गया था परीक्षा में। मतलब सोचिए, मतलब ये सब तभी होता है जब, क्या होता है ना कि राजनीति में फैसले जब तुष्टीकरण के तराजू में तौल कर लिए जाते हैं ना, तुष्टीकरण के तराजू में तौल कर कि क्या बेटर है क्या नहीं, किससे वोट सद जाएंगे, तो ना वही होता है जो शायद संभवतः इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस के साथ हो रहा है। पहले बैन, अब फैन, पहले खुद बैन लगाया खुद हटाया। हिजाब को लेकर कांग्रेस इतनी ज्यादा प्रेशर में थी कि कांग्रेस को 48 घंटे में अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सुनिए हुआ क्या। कांग्रेस सरकार ने 13 नवंबर को एग्जाम में हिजाब बैन का फैसला लिया और 15 नवंबर को कांग्रेस फिर से हिजाब बैन वाला फैसला अब वापस लेती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी जो जानकारी है शिक्षा मंत्री ने जो न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि हिजाब बैन नहीं है, परीक्षाओं में एक घंटा पहले आना होगा, पूरी चेकिंग होगी, अलाउ कर दिया जाएगा हिजाब। पहले बहुत बवाल हो गया था इस बात को लेकर, हिजाब बैन को लेकर। हुआ यह कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जिस फैसले को हिजाब विरोधी बताया गया था, उसे कांग्रेस सरकार ने अब वापस ले लिया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनना चाहती हैं परीक्षाओं में, वो अब पहन सकती हैं। इसके लिए उन्हें एग्जाम सेंटर में एक घंटा पहले पहुंचना होगा ताकि वक्त के अभाव में चेकिंग में दिक्कत ना आए, एक घंटा पहले आना होगा। हिजाब पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का यह आदेश कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के उस सर्कुलर के खिलाफ है। दरअसल सर्कुलर कुछ और आया, शिक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं। सर्कुलर में कहा गया था कि भाई भर्ती परीक्षाओं में कान, मुंह और चेहरा ढकने वाले किसी भी चीज की इजाजत नहीं होगी, ये सर्कुलर आ गया था। इसको लेकर ओवैसी मैदान में आ गए थे, उमर अब्दुल्ला तक कह दिए थे कि राहुल गांधी दखल दें, ये क्या हो रहा है कांग्रेस की सरकार में। ओवैसी ने कहा था कि कांग्रेस जो है का मुस्लिम प्रेम दिखावा है, हिजाब बैन कर दिया। सारा बवाल हो गया, इतना प्रेशर हो गया कि हिजाब बैन वाला फैसला अब संभवतः शायद वापस लेना पड़ रहा है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के इस फैसले का मतलब था कि भर्ती परीक्षाओं में मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहन पाएंगी, ये सर्कुलर था। ये फैसला कर्नाटक की भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ी की कोशिश को रोकने के लिए लिया गया था, जिसे अब संभवतः पलट दिया गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, कर्नाटक में 18
और 19 नवंबर को कई बोर्ड और निगमों में भर्ती एग्जाम होने वाले हैं, इसी को लेकर पूरा विवाद था। और इन एग्जाम्स में परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने सर्कुलर जारी कर दिया था, जिसमें बताया गया कि सर पर टोपी, कपड़ा या अन्य कपड़ा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई भी चेहरा एग्जाम में, चेहरा, सिर, कान ढकने पर प्रतिबंध था। इसको माना गया कि एक तरीके के फिर हिजाब कैसे पहन पाएंगी मुस्लिम महिलाएं एग्जाम में, सेंटर में या परीक्षा में। अच्छा, क्यों किया गया ऐसा? इसलिए किया गया कि कुछ वक्त पहले हुए भर्ती एग्जाम में कई लोगों को पकड़ा गया था जो क्या करते थे, ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर चीटिंग कर रहे थे। इसलिए चेहरे ढकने और कान ढकने का ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं आप रख सकते हैं जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे। ये पहले का ऑर्डर था सर्कुलर, लेकिन अब तो शायद राहुल गांधी ने शायद ओवैसी की अपील सुन ली और अब जो खबर आ रही है कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं हिजाब अलाउड है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने नया ड्रेस कोड भी जारी किया था, लेकिन चीटिंग रोकने के लिए हुए इस फैसले को मुस्लिम विरोधी फैसला कहा जाने लगा। खुद इंडिया अलायंस में कांग्रेस के पार्टनर उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बता दिया कि हिजाब क्यों नहीं अलाउड होगा, ड्रेस कोड क्यों हिजाब होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से अपील कर डाली कि आप लोग दखल दीजिए, राहुल जी आप देखिए कि कर्नाटक की सरकार में जो हिजाब विरोधी फैसला हुआ है फिर क्या फर्क रह गया आप में और बीजेपी में। सो कॉल्ड बीजेपी तो कम्युनल कहते हैं ना, बीजेपी कम्युनल पार्टी कांग्रेस कहती है क्योंकि वो हिजाब विरोधी है, तो कांग्रेस की सरकार में भी हिजाब पर बैन कैसे चलेगा, राहुल जी आप इंटरफेयर कीजिए। मतलब उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी से हिजाब बैन हटाने की अपील कर दी थी कि उसे हिजाब बैन के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। ऑल इंडिया एमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी ने कहा कि हिजाब पर कांग्रेस भी आरएसएस की राह पर है। असद ओवैसी, कांग्रेस CONG RSS लिख दिया था असद ओवैसी ने, कांग्रेस में CONG और RSS। कर्नाटक समेत देश के तमाम मुस्लिम संगठन कर्नाटक सरकार में हुए फैसले से नाराज दिखाई देने लगे। दबाव इतना बढ़ गया, प्रेशर इतना बढ़ गया कि अब हिजाब अलाउ कर दिया गया है एग्जाम सेंटर्स में। अभी जो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने जो हमें बताया, मैं उस हिसाब से खबर बता रहा हूं कि अब हिजाब अलाउ कर दिया गया। अब समझ लीजिए कांग्रेस इतना ज्यादा प्रेशर में आ गई, मतलब कि फैसला 13 नवंबर को लिया गया था, दो दिन बाद यानी कि आज उसको पलट दिया गया। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, असद ओवैसी ने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए बात। क्या पहनते हैं, किस तरह पहनते हैं, इस पे हुकूमत दखल क्यों दे, और खासकर ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। ये कर्नाटक में पहली बार नहीं हुआ है और हुकूमत ने कहा ये सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है, ठीक है नहीं है। सरदार बच्चे क्या करेंगे, क्या उनकी पगड़ी उतारोगे आप? मैं हिजाब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बोल रहा था तो यही कांग्रेसी बोल रहे थे, ओवैसी इसको चुनाव का मुद्दा बना रहा है। मैं ये कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आरएसएस का मुद्दा है। रखिए, कांग्रेस आरएसएस की माँ है, इसीलिए मैं बोला कि नए मामू से अच्छे नट्टे मामू।